महाराज, बड़ी सुंदर छुआनी की कथा है। आज की कथा में हम छुआनी की कथा सुनाएंगे। उससे पहले एक सूचना है, गौमाता के लिए, भूस की ट्रॉली के लिए जो भी भाई सेवा करना चाहता हो, कार्यालय में जाकर के 1100 रुपये की रसीद कटा सकते हैं। बड़ी कृपा हो जाएगी, बड़ा साधुवाद। तो कथा इस प्रकार है, एक साहूकार था, साहूकारनी थी, उनके यहाँ पौत्र ने जन्म लिया, बहू के बेटा हुआ। और बहू के घर से बड़े मेवे आए, बड़ा घी आए, बड़े फल आए, बड़ी सामग्री आई, परंतु जो साहूकारनी थी उसके मन में लालच व्याप्त हो गया, लालच आ गया। और लालच में आकर के, क्योंकि दिखावे में लालच अगर किसी व्यक्ति को आ जाए तो उसको दिखाना भी पड़ता है कि देखिए वो लालची नहीं है। तो ऐसे में वो कुछ नई नई चीज़ें करता है कि किस प्रकार से दिखे कि भाई मैं लालची नहीं हूँ, परंतु लालच करना भी है। तो अगर मेवो इत्यादि के लड्डू बनाए तो उसमें तो घी डालना ही पड़ेगा, अगर उसमें जल डालेंगे तो उसमें फफूंद लग जाएगी, ख़राब हो जाएंगे। तो उसने ऐसा कर कर के ये खीर बना दी मेवों की महाराज, और पानी उसमें मिला कर के थोड़ा सा घी डाल दिया और कहा कि देखो मैंने घी में पका कर के मेवे बनाए हैं, इसको ग्रहण करो, बड़ी जो है शक्ति मिलेगी। क्योंकि जो पुत्र को जन्म देने के बाद, बालक को जन्म देने के बाद माता जो है कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें जो है शक्तिवर्धक वस्तुएं देनी आवश्यक होती हैं। तो महाराज, उस साहूकारनी ने लालच में आकर के जल में ही वो कुछ मेवे डाल करके दे दिए। जब वो बहू ने ग्रहण किए तो वो बड़े उसमें स्वाद आया, घी का स्वाद आया। शाहूकार ने भी लिया, शाहूकार को भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ी तारीफ की उसने भी शाहूकारनी की कि तुमने बड़ी सुंदर वस्तु बनाई। शाहूकार के बेटे ने भी खाया, उसने भी बड़ी सुंदर कहा कि ये जो मेवों की खीर माँ आपने बनाई है बड़ी सुंदर है। शाहूकारनी आश्चर्य में, मैंने तो पानी में बनाई थी, इन्हें स्वाद कैसे आ गया, घी तो नाम मात्र का था। शाहूकारनी ने जब उसे खाया, उसमें घी ही घी था। शाहूकारनी सोच में पड़ गई और अपनी गलती समझ गई कि बहुत बड़ी भूल मेरे से हो गई। शाहूकारनी सो ना पाई पूरी रात, पूरे दिन बेचैन, अगली रात फिर बेचैन। शाहूकार ने पूछा क्या हो गया, 2-3 दिन हो गए तुम बड़ी परेशान हो, बड़ी कष्ट में हो, ना सो पा रही हो, ना उठ पा रही हो, डरी डरी घबराई रहती हो। शाहूकारनी कहने लगी, मुझसे एक पाप हो गया, बहू के घर से मेवे घी इत्यादि आए थे, मैं लालच में पड़ कर के घी बचाने के चक्कर में पानी में पका कर के ही मेवे दिए थे, पता नहीं कैसे ये घी में बदल गई, और ये भगवान ने मुझे संकेत दिया है कि मैं किसी के भाग्य को रोक नहीं सकती, जो जिसके भाग्य का है वो उसको मिलकर रहेगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, लालच कर लें, आगे पीछे से कुछ भी कर लें, जिसके भाग्य का है उसको मिलकर के ही रहे। शाहूकार भी समझ गया कि परमात्मा ने एक निर्देश दिए हैं, और इस प्रकार से आज भी आप अगर देखें, जब छुआनी बनाई जाती है महाराज, मेवों की खीर, तो कभी भी पूर्ण रूप से उसमें घी नहीं डाला जाता। उस साहूकारनी के लालच के कारण आज भी उसमें आप देखें आधे से ज्यादा जल पड़ता है महाराज, घी होता है परंतु कम। साहूकारनी के लालच के कारण आज भी आप देखें, जब माता किसी बालक को जन्म देती है और उसे छुआनी दी जाती है मेवों की खीर, तो उसमें संपूर्ण रूप से घी का प्रयोग नहीं होता। ये कथा है महाराज, ये सत्य कथा है, सत्यार्थ है। ऐसी ही सत्य कथाएं मेरे चैनल देसी 91 टीवी पर महाराज, 4000 कथाएं, बड़ी सुंदर, बड़ी अद्भुत, उन्हें जाकर के देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।